ओम शांति। प्रभुप्रिय विश्व सेवाधारी आध्यात्मिक ज्ञान पिपासु श्रेष्ठ आत्मा मानंकु अंतरर शुभेच्छा शुभ अभिनंदन सुप्रभात सुस्वागतम। युग अनुसारे वंश बा पीढ़ीर प्रचलन एहा अनादिकालर विधि व्यवस्था अटे। जेपरी युग चारि सेहिपरी वंश मध्य चारि सूर्यवंश चंद्रवंश वैश्यवंश एवं शूद्रवंश। जदि युग एवं वंशर विधि व्यवस्था रही तेबे एही सबु युगरे बा वंशरे आत्मा मानंकु गति करिबाकु पड़िबो निश्चय निज निजर कर्म अनुसारे। अर्थात जेउ आत्मा युगर आरंभ अर्थात सत्य युगरे सूर्यवंशरे आसुछि सेही आत्मा ही तार स्थिति शक्ति एवं कर्मर फल अनुसारे पुनः जन्म नहीं चंद्रवंश वैश्यवंश एवं शूद्रवंशरे आसुछि निश्चय। अर्थात देवी देवतांकर जेतेबेले आत्मशक्ति ह्रास पाउछि सेमानंकर स्टेज धीरे धीरे कमिबाकु लागुछि, जहाकु शास्त्ररे कुहा जाउछि कि देवता मानंकु राक्षस माने परास्त करिदेले। बा अन्य अर्थरे कहि परिबा देव आत्मा माने राक्षस प्रवृत्तिर अधीन हो गले। एथिरु प्रमाणित हुए कि सही आत्मा गुण अनुसारे देवता हेउछि एवं परे मनुष्य जन्मरे आसुछि, जहाँ मध्य भागवतरे उल्लेख अछि नर देहे नारायण एवं नर देहे दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान। पुनश्च उल्लेख मध्य अछि ब्रह्मांकर नाभिरु विष्णु एवं विष्णुंकर नाभिरु ब्रह्मांकर उत्पत्ति। अर्थात आत्मा एक परंतु स्थान एवं काल अनुसारे पात्र केवल जहाँ बदलुछि। एठारे विचार करा जाई पारे कि ब्रह्मांक द्वारा जदि रचना हेउछि तेबे केउ दुनियार रचना हेउछि एवं केतेबेले हेउछि ए कथा मध्य आम मानंकु स्पष्ट हेबा उचित। टिके चिंता करंतु स्वयं भगवान प्रजापिता ब्रह्मांक द्वारा स्थापना करुछन्ति, तेबे निश्चय श्रेष्ठ दुनिया अर्थात सत्य युगर स्थापना करिबे एवं एही कली युगर ही सत्य युगर स्थापना करिबे निश्चय। तेबे ब्रह्मा मध्य एही कली युगर हेथिबे तो तेणु तो ब्रह्मांकर पूजन नाही। वर्तमान सेही सत्य युगी सूर्यवंश को जीवार श्रेष्ठ शिक्षा स्वयं परमात्मा साधारण वृद्ध शरीर रे दिव्य अवतरण करी प्रदान करुछंती, जहांकर नाम रखिछंती प्रजापिता ब्रह्मा। सेथिपाई परमात्मा शिव बाबा कहुछंती मधुर आत्मिक संतान माने शरीर निर्वाह अर्थे कर्म कर किंतु अति कमरे आठ घंटा निराकार शिवपितांकु स्मरण करी चाल, सारा विश्व को शांतिर दान दियो, निज समान श्रेष्ठ हेबार सेवा कर, निमित्त होई हातरे कर्म कर एवं बुद्धि को शिव बाबांको पाखरे लगाई रख निरंतर, तेबे सूर्यवंशी कूलरे निश्चय आसीजीव। जदि सूर्यवंशी कूलरे उच्च पद पाइबाकू चाहुछ
तेबे शिव बाबांकु स्मरण करी चालो एवं अन्यमानंकु मध्य स्मरण कराई चालो। जेते जेते स्वदर्शन चक्रधारी हेब अन्यमानंकु कराइब सेते उच्च पद पाई पारिब। स्वदर्शन अर्थात मु निजे आत्मा भिन्न भिन्न जुगरे भिन्न भिन्न नाम रूप देश कालरे किभली भावे आसी अभिनय करुछी ताहार ज्ञान को बुद्धि रे मंथन करिबा को ही वास्तवरे स्वदर्शन चक्रधारी हेबा कुहा जाए। आत्मिक पुरुषार्थ करी सम्मानर सहित उत्तीर्ण हेबा दरकार। एपरी कौनसी कर्म न हेउ जहाकि दंड भोगिबाकु पड़िब। जिए दंड भोग करिब तार पद मध्य भ्रष्ट होइजिब। जेपरी दुनिया रे जणे उच्च पदस्थ अधिकारी सरकारी अर्थ आत्मसात करिथिबा अभियोग रे बा दुर्नीति करिथिबा अभियोग रे दंड त भोग करिथांति एवं निजर पद मध्य हरिथांति। सही भली एठारे शिव बाबांकर संतान हे सारिबा परे जदि मन वचन एवं कर्म रे कौनसी अशुद्धता आसिला बा कौनसी भूल हेला तेबे सेथि पई दंड मध्य भोग करिबाकु हेबो एवं भविष्य नुआ दुनिया रे पद मध्य कम मिलिब। मनुष्य गीत माध्यम रे निवेदन करुछंती कि इस पाप की दुनिया से ले चलो और कहीं जहां सुख और चैन हो, परंतु पुनश्च सही भूल सही पाप करी चली छंती। शिव बाबा कहुछंती कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम जुगर श्रेष्ठ समय रे श्रेष्ठ पितांकर श्रेष्ठ मत द्वारा बाबांको समान सर्वगुण रे संपूर्ण हेबाकु पड़िब। परस्पर सहित बहुत स्नेहरे रहिबा दरकार, कारण भविष्य नूतन दुनिया स्नेहपूर्ण दुनिया हेब। संस्कार तो सही ठारे ही जन्म नेबो नाही, तेणु सेठाकु जीवा पाई हेले एबे ठारु सही भली सबु संस्कार को धारण करिबाकु हेबो। केबे कहाकु भी मन वचन कर्मरे दुख देवा अनुचित। चालिबा बुलिबा कर्म करिबा समय रे मध्य निराकार पितांकु मने पकेबार अभ्यास करिबा आवश्यक, जद्वारा अंतिम मति अनुसारे गति प्राप्त होई पारिबो। अर्थात अंतमति सो गति को प्राप्त होई पारिबो। जोगयुक्त होई सारा विश्व को शांतिर दान देबाकु हेबो। बाबा कहुछंती ज्ञानर रहस्य गुड़ी को जानी सर्वदा अचल स्थिति रे रहुथिबा निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक हुओ। एहा द्वारा बड़रु बड़ विघ्न मध्य खेल भली अनुभव हेबो, जद्वारा सबुथिरे विजय ही विजय प्राप्त होई पारिबो। मु अनेक थर विजयी होईछि एही भली निश्चय बुद्धि हेबा दरकार। जदि दृढ़तार शक्ति साथीरे थिबो तेबे सफलता गलार हार होईजिव। अच्छा आजि पई एही ठारे आमे माने विराम नेबा। आसंता काली पुनश्च सेही कल्याणकारी पितांकर आउ किछि कल्याणकारी महावाक्य को आलोचना करिबा, निजर जीवन को परिवर्तन करिबा सहित सारा पुराणा दुनिया को
ନୂତନ ଦୁନିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।